नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट शबाना आजमीन स्टेटमेंट जो उन्होंने शायद कोई रैली या कोई प्रोसेशन में दी है. मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली शायद पॉलिटिक्स में आना चाहती है बिकॉज ऑब्वियसली उसको इतने अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे, दो वो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है. मगर उनका जो एक स्पीच का सैंपल मेरे पास आया है, वो स्पीच को पढ़ के मुझे लग रहा है कि वो ऑब्वियसली एक बायस्ड नैरेटिव लोगों के तरफ फैलाना चाहती है. ये जरूरी है कि जो इसमें बुराइयां हैं वो बुराइयां हम बताएं, अगर हम बताएंगे ही नहीं तो उसमें सुधार कैसे लाएंगे. लेकिन एक वातावरण इस तरह का बन रहा है कि अगर आपने कोई भी बुराई लेकर आए हो खास तौर से सरकार के खिलाफ तो आपको एंटी नेशनल फॉरन कह दिया जाता है. इससे डरना नहीं चाहिए और इनकी सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने भारत देश को एड्रेस किया है एज मुल्क. मुल्क इज अ उर्दू वर्ड और हम एक हिंदू काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वाले देश में रहते हैं जहां पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, क्योंकि जो मुसलमान लोग थे उनको ऑब्वियसली हमारे देश के कांग्रेस लीडर्स और फादर ऑफ द नेशन ने दो इस्लामिक कंट्रीज दे दिए हैं. सो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं जहां पे ऑब्वियसली इंडियन मुस्लिम्स भी रहते हैं, मगर ये देश मुल्क नहीं है, ये एक भारत देश है ऑब्वियसली. तो उनका ये जो नैरेटिव है और उनका ये जो लोगों को बहकाने का स्पीच है उसको मैं सिर्फ डीकोड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो एड्रेस कर रही है महिलाओं को बिकॉज शी वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट हरसेल्फ एज अ फेमिनिस्ट. तो मैं सबसे पहले इनको यही कहना चाहती हूँ कि उनको शायद उनके धर्म के कोई मौलवी या इमाम ने एक टाइम पे प्रोस्टिट्यूट कहा था, क्योंकि वो बॉलीवुड में काम कर रही थी तब उन्होंने उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं दी और शायद वो बात को दबाने की कोशिश करी. तो जो औरत ऑब्वियसली महिलाओं के वेलफेयर के लिए बातचीत करना चाहती है उस औरत को सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए ट्रिपल तलाक और हलाला जो उनके धर्म में होता है, क्योंकि शबाना आजमी इज ऑल्सो द सेकेंड वाइफ ऑफ जावेद अख्तर एंड आई डोंट नो इफ दे आर लीगली मैरिड और द फर्स्ट वाइफ हैज बीन डिवोर्स्ड वाया ट्रिपल तलाक. तो जो खुद कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर फेंकने की कोशिश नहीं करते, पहले अपने अंदर का जो भी क्या कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी है अपने धर्म के अंदर उसको आप एड्रेस करिए शबाना आजमी जी, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि विमेन अफेक्ट होती हैं और विमेन के साथ साथ बच्चे अफेक्ट होते हैं. तो आपको ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जैसे टॉपिक के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके धर्म के अंदर कुछ लोग ऐसी आइडियोलॉजी रखते हैं कि वो कितने भी बच्चे पैदा करें दैट इज ओके बिकॉज उनके धर्म में कहा जाता है कि बच्चे पैदा करना इज परफेक्टली फाइन, नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द मदर. क्योंकि शाहजहां की वाइफ मुमताज died in childbirth when she was trying to give birth to the 14th child between them. So this shows that the concept of population control bill is the most important thing that needs to be passed in secular India. क्योंकि आप अपने धर्म के अंदर ये जो thought process है उसको भी address नहीं करना चाहती, मगर आप दिखा रही हैं लोगों को कि आप एक अच्छी feminist हैं और आप महिलाओं के बारे में सोच रही हैं और आप बच्चों के बारे में सोच रही हैं. तो सबसे पहले आपको triple talaq bill, हलाला और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के ऊपर अपनी राय रखनी चाहिए इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ पॉलिटिशियन. इसके अलावा आपने स्टेटमेंट करी है कि जो भी आदमी देश के मतलब सरकार के खिलाफ बोलता है उसको लोग टर्म कर देते हैं एज एंटी नेशनल, बट आप अपने आप पे खुद अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि कन्हैया कुमार ने खुद अपने मुंह से अफजल गुरु की वाह वाह करी थी जब वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स यूनियन हेड था और आपने अपने आप उसके साथ फोटोग्राफ खिंचाई थी और आप खुद कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहे थे. तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप एंटी नेशनल है या नहीं. अगर आप एक मुस्लिम टेररिस्ट के सपोर्टर को सपोर्ट करती हैं और उनके साथ फोटोग्राफ खिंचाती हैं तो ऑब्वियसली कोई बच्चा भी कहेगा जो भारतीय होगा जो नेशनलिस्ट होगा कि आप एंटी नेशनल थॉट प्रोसेस रखती है. इसके अलावा आपने ये भी कहा कि जिस तरह से बाबरी को तोड़ा गया वो सबसे ज्यादा
खराब तरीका था। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाया गया बाय अ मुगल इन्वेडर बाबर, जिसने फोर्सफुली हिंदू कन्वर्जन किया। शायद आपके पूर्वज भी हिंदू होंगे, हमें नहीं पता, और उनको भी शायद फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया होगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जो भी बाबर के फॉलोअर्स थे उनको तो हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया 1947 में। तो आप जैसे इंडियन मुस्लिम्स जो इंडिया में रह गए, उन्होंने खुद क्यों नहीं बोला बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद कि भैया ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इशू से इंडियन मुस्लिम्स को अपना केस निकाल देना चाहिए और हिंदुओं के भगवान भगवान राम के जन्मभूमि पे उनको राइट दे देना चाहिए अपना मंदिर बनाने का। ये आपने बड़प्पन अपने कौम के लोगों को बोल के क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अभी हमें फिर से गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रही है जो सेक्युलर हिंदू है, जिनको ऑब्वियसली 70 साल से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आपने बहुत अत्याचार किया है ये सो कॉल्ड इंडियन मुस्लिम्स पे, जो इंडियन मुस्लिम्स को आपने ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया है। तो शबाना आजमी जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर बाबरी मस्जिद को कट्टर हिंदू लोगों ने तोड़ा, तो आप जैसे इंडियन मुस्लिम्स जिन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश की डिमांड करी थी और उसके बावजूद इंडिया में रह गए, उन्होंने खुशी खुशी अभी तक उस जमीन के ऊपर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए कोई एफर्ट क्यों नहीं किया? ये केस अभी तक कोर्ट में क्यों चल रहा है? आपको कितनी कंट्रीज चाहिए? कितनी कंट्रीज के अंदर आपको मॉस्क बनाने हैं? आप खुश नहीं होते कि 57 कंट्रीज पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक कंट्रीज है, अब भारत को भी आपको एक इस्लामिक कंट्री बनानी है? तो शबाना आजमी जैसी लेडीज जो ऑब्वियसली अपने आप को स्ट्रांग फेमिनिस्ट बोलती है मगर खुद एक दूसरी बीवी है जावेद अख्तर जी की, और बात करती है महिलाओं की और बच्चों की मगर कभी बात नहीं करती ट्रिपल तलाक की या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, वो ऑब्वियसली अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना चाहती है, आई होप आई प्रिज्यूम, एंड दैट इज व्हाई शी इज गिविंग सच इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। बट बीइंग अ नेशनलिस्ट एंड बीइंग अ हिंदू, मैं उनकी ये हिपोक्रेसी को कॉल आउट करूंगी, क्योंकि आपको तो अभी तक पता चल गया होगा कि मैं वो ही बोलती हूं जो मुझे ठीक लगता है। रही बात, आपने शबाना आजमी जी अपने स्पीच में एक वर्ड यूज किया है, राम जिस तरह के शख्स थे, राम शख्स नहीं थे, राम भगवान थे। तो फिर से हमारे भगवान राम को शख्स करके मत बुलाना, क्योंकि वो हमारे भगवान है। आप अपने धर्म के अंदर अपने अल्लाह को कैसे भी पुकार सकते हैं मगर हमारे धर्म के अंदर हमारे भगवान को शख्स करके फिर से कभी मत बुलाना। शबाना आजमी जी, ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप यू लूज इफ यू स्टैंड इन इलेक्शंस इन हिंदुस्तान बिकॉज यू आर अ हिपोक्रिट। नमस्कार।